students, welcome to class 7. As we all know that we are watching our video of subject math of class 7, and we are watching our video of chapter 3, that is HCF and LCM. यानी कि हम हमारा third chapter देख रहे हैं HCF और LCM. हमने last video में practice set 12 देखा हुआ है, students याद होगा आप लोगों को. और इससे मैंने आप लोगों को दो homework दिए थे, 4th number और 9th number. बहुत सारे बच्चों ने ये होमवर्क मुझे करके बताया, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए ये वीडियो में आप लोग को सबसे पहले होमवर्क करके मैं बता रहा हूँ. और ये वीडियो आखिरी तक आप लोग को कंटिन्यू देखना है, क्योंकि इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5, 3, 5, 6, 7 ऐसे प्रॉब्लम में थर्ड डिजिट वाले नंबर के प्रॉब्लम में दूंगा. तो शुरू करते हैं बेटा. आप लोग को जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे आप लोग को एक तरह से खाचा बना लेना है 16, और एक दूसरा एक नंबर मिलता है 27. इन दोनों का एचसीएफ हम लोग को कैलकुलेट करना है. प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दोनों के हम लोग को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और ये हम लोग को वर्टिकल अरेंजमेंट से हम लोग इसको फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. तो जैसे आप लोग को पता है कि 16 इस नंबर को सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी संख्या का भाग जाता है, 2 का जाता है. तो 2 का भाग देंगे तो 2 8 होता है 16, मतलब पूरा भाग जाएगा 8 से. फिर 8 को हम लोग को 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो 8/2 देयर इज 4. ठीक है, 4 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो 2 to the 4, ये हो गया हमारा आंसर. अब 2 को और 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 1. यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 16 के जो फैक्टर्स हैं वो हम लोग को कौन कौन से मिले हैं, 2 आएगा बेटा 4 टाइम्स. ठीक है, इस तरह से ये 16 के फैक्टर हो गए. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, 27 की तरफ. 27 को 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाता, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 3 का भाग देंगे, 3 × 9 = 27, तो ये हमारा आंसर आ गया 9. अब 9 को डायरेक्टली 3 का भाग देंगे तो 3 दिया 9, और फिर 3 को अगेन 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1. तो ये भी जो नंबर आप लोग को मिले हुए हैं, ये नंबर भी आप लोग को इसी तरह से लिख लेने हैं कि 27 की जो फैक्टर है वो 3 × 3 × 3, ये नंबर आप लोग को यहाँ पे लिखने हैं. देखिए वीडियो में देखते समय आप लोग को क्लियरली नंबर दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको. तो 3 × 3 × 3 आप लोग को अभी क्लियर दिख रहा है. अब ये दोनों आप लोग के सामने फैक्टर्स है. अब हम लोग को कैलकुलेट करना है एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ. तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग को दोनों में से कोई एक चीज को कॉमन कैलकुलेट निकालना पड़ता है. अब देखिए 2, 2, 2 और 2, 3, 3 और 3 और 3, ये दोनों फैक्टर्स में कौन सा नंबर कॉमन है, कोई दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी नंबर एज इट इज ही रहता है. तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM = 1. इसमें जो कोई फैक्टर कॉमन है वो होगा 1. ये बात समझ में आई आप लोग को? मतलब 1 यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं लिखा, लेकिन कोई एक नंबर हम लोग को कॉमन जरूर कैलकुलेट करना है, और वो 1 से बेस्ट और कौन सा हो सकता है. तो इसलिए हम लोगों ने LCM = क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है. अब हम लोग चलते हैं सेकंड 9th नंबर प्रॉब्लम की तरफ. इस तरह से दो ढांचे मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, फर्स्ट इज 56 एंड सेकंड इज 57. ठीक है, अब 56 इज अ इवन नंबर. अब इसको हम लोग को 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 28. ठीक है, इसको भाग देकर देखिए आपको 28 का आंसर मिलेगा जरूर. अब 28 को भी 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 14. 14 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 7, और 7 को सिर्फ 7 का ही भाग जाता है, बिकॉज 7 इज द प्राइम नंबर. तो 7 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा आखिरी में 1. एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे फैक्टर लिख लेंगे 56 = 2 × 2 × 2 × 7, ये हो गया 56 के फैक्टर. आप 57 के फैक्टर देखते हैं. 57 में आप लोग को इस तरह से एक ढांचा बना लेना बेटा, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बना के बताया. 57 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर होने की वजह से इसको डायरेक्टली 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देने के बाद आपको यहाँ पे मिलता बेटा 19 3 57, और 19 ये ऑड नंबर होने की वजह से और प्राइम नंबर होने की वजह से इसको सिर्फ 19 का ही भाग जाता है, तो ये गणित हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है. तो इसके भी 57 के भी फैक्टर क्या मिलेंगे आप लोग को, 57 = 3 × 19. अब बताइए दोनों नंबर्स में, दोनों फैक्टर्स में कौन सी चीज कॉमन दिख रही है आप लोग को? कोई एक नंबर आप लोग को कॉमन दिख रहा है? नहीं ना. तो आप लोग यहाँ पे 3 और 19 और 2, 2, 2 और 7 में कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 से अच्छा कोई
इनमें आने वाला एसटीएफ कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका भी एसटीएफ आएगा 1। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इसके बाद में जो एग्जांपल्स आने वाले हैं उसमें भी एसटीएफ फैक्टर मिलेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और फिर उसका एसटीएफ 1 लिख लेंगे। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा? जब हम लोग को कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिलते, कॉमन जब मिलेंगे तो उनको ही हम लोग को लिखना है। अब आपके सामने तीन एग्जाम, तीन प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तीन नंबर्स आने वाले हैं, तो तीन नंबर्स में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर तीनों जगह पर प्रेजेंट होगा वही आपका एसटीएफ होगा। वो अब हम लोग तुरंत देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा थर्ड प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 12, फाइंड एसटीएफ, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी आर वॉचिंग अवर वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। फोर तो अभी आप लोगों को मैंने करके बताया हुआ है। तो देखिए बेटा यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, इन तीन नंबर्स के भी आप लोगों को फैक्टर्स एज इट इज जैसे अभी कैलकुलेट करते आए हुए उसी तरह से हम लोग का कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे मैं तीन ढांचा यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, और तीनों में मैं जो नंबर है वो लिख लूंगा। ये 40 है, ये 60 है और ये 75 है। ओके, अब हम लोग को वन बाय वन नंबर को फैक्टर्स बनाने हैं। तो 40 को सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 20। ठीक है, फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग जाने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 10। अब 10 को भी 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है 5, और फिर 5 को 2, 3, 4 ये नंबर से भाग नहीं जाता, आखिर में हम लोग को 5 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज रिमेनिंग इज 1। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में लिख लेते हैं, तीनों के फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अब 60 जो नंबर है, 60 के भी फैक्टर हम लोग को निकालने हैं, तो 60 को भी 2 का भाग जाता है तो 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, 30 अगेन डिवाइडेड बाय 2 इज 15, और 15 वो 2 का भाग नहीं जाता तो फिर 3 का भाग देना पड़ेगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1। तो ये भी आप लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाना है क्योंकि ये नंबर हम लोग को यहाँ पे लिखते हैं नीचे में। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ, 75। 75 को बेटा 2 का भाग नहीं जाता तो हम लोग को डायरेक्टली 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 25 उसके बाद 25 को 3 का भाग नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, डायरेक्ट 5 का जाता है। तो 5 का 25 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5, और 5 को दोबारा 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर यहां पे आता है बेटा 1। ठीक है, तो ये 5 अच्छे से लिख लेता हूं मैं, तो ये भी डाउनवर्ड एरो हो गया। अब तीनों फैक्टर्स आप लोग के सामने है, तीनों फैक्टर्स में जो कॉमन वैल्यू होगी, जो कॉमन नंबर होगा वही होगा ये तीनों का एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं इतना नीचे नहीं लिखता हूँ, अब डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। देयरफॉर 40 के फैक्टर हम लोग लिखेंगे 40 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 5 एंड 60 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। देखिए ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, एंड आप लोग यहाँ पे लिखते हैं 75 की जो फैक्टर है बेटा, 75 के फैक्टर ये हम लोग लिखेंगे 3 × 5। ये देखिए 3 अच्छे से लिख लेता हूँ, 3 × 5 × 5। अब देखिए तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी एक संख्या है या कौन सी दो तीन ऐसी कोई भी संख्या है जो तीनों जगह पर कॉमन आनी चाहिए, किसी एक या दो ही जगह पर कॉमन होगी उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए ऐसी एक चीज, एक संख्या मुझे दिख रही है जो कॉमन है वो 5 है, 5 और 5। और 3 है क्या देखते हैं बेटा, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा 3। फिर 2 देखते हैं, 2 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है पर यहाँ पे कॉमन नहीं है, है ना। परंतु हम लोग को संख्या वही लिखनी है कि जो तीनों नंबर में कॉमन आए। ठीक है, तीनों जगह पर, किसी एक में किसी दो में ऐसा नहीं। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर एचसीएफ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 डॉट आप लोग को यहाँ पे बनाने हैं बेटा। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर का 5। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम आप लोग को अपनी कॉपी में एलरेडी उतार रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर के लिए भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि 3 नंबर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए एक ढांचा यहाँ पे बना लिया 18 का, दूसरा है 32 का और तीसरा है 48 का, यानी कि 18 यहाँ पे 18 लिख लिया मैंने, यहाँ 32 लिख लिया, यहाँ पे 48 लिख लिया। अब हम लोग को इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स लिखने के लिए शुरुआत में हम लोग 2 का भाग देंगे, 18 डिवाइड बाई 2 इज 9। अब 9 को 2 का भाग नहीं जाता, अब हम लोग को उसको कौन सी संख्या से भाग देना पड़ेगा, 3 से। तो 9 डिवाइड बाई 3 इज 3, देन 3 अगेन डिवाइडेड बाई 3 इज 1।
तो ये हो गया हमारे फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। अब 32 की तरफ चलते हैं, 32 अगेन डिवाइडेड बाय 2, 32 को 2 का भाग जाता है, तो 16 दुनी 32, तो आपका यहाँ पे आंसर आता है बेटा 16, ठीक है। अब ये 16 आने के बाद उसको भी हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 8, एंड 8 इज डिवाइडेड बाय 2 इज आंसर 4, 4 इज डिवाइडेड बाय 2 इज आंसर 2, एंड 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इज आंसर 1। तो ये हो गए हमारे 32 के फैक्टर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए कि 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। अब 48 की तरफ चलते हैं, 48 नंबर को भी आप लोग को 2 का भाग जाता है, अच्छे से पता है। तो 48 डिवाइड बाय 2 इज 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 एंड 3 को 3 से ही भाग देंगे, आपका आंसर यहां पे आता है 1। यानी कि ये देखिए इस तरह से दो एरो मैं बना रहा हूं, और अब हम लोग यहां पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। देयरफॉर 18 के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 × 3 × 3, यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 × 3 × 3, एंड 32 के जो फैक्टर है बेटा वो लिख लेते हैं 2 2 2 2 2, कितनी बार है, 5 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देन लास्ट इज एंड 48 हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। 48 के जो फैक्टर्स है वो है 4 × 2 और 3, तो 2 × 2 × 2 × 2 चार बार हो गए और अब ये हो गए 3। अब देखिए इनमें ऐसे वैल्यूज आप लोग को कॉमन निकालने हैं जो तीनों फैक्टर्स में कॉमन हो, ऐसी नंबर आप लोग को कैलकुलेट करने हैं कि जो तीनों फैक्टर्स में कॉमन हो। देखिए 2 तो मुझे कॉमन दिख रहा है बेटा, ये 2 2 और 2, ये तो कॉमन है। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे कॉमन है, अरे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे है, अब इनके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो तीनों नंबर में सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM = 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व बेटा, 3rd एंड 5th। 4 हमने इसके पूर्व अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ है। अब इसके बाद मैं जो आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ वो नंबर है, देखिए होमवर्क यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, होमवर्क इज प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 7 में आप लोग को दिए हैं नंबर 42, 45 एंड 48, एंड प्रॉब्लम नंबर 8 में आप लोग को नंबर दिए बेटा 57, 75 एंड 102। अब देखिए बचा हुआ 10th नंबर का जो प्रॉब्लम होगा वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को जरूर सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, बड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी अब ये 2 प्रॉब्लम मुझे होमवर्क करके पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है, और आप लोग खुद का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए बाहर जाते हैं तो, और बार बार हाथ धोकर धोते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।